बिहार में उपचुनाव के परिणाम निश्चित रूप से सबके लिए चौंकाने वाले रहे हैं, खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए, जिन्हें दरौंदा छोड़कर सभी सीटों पर जीतने की उम्मीद थी। इसलिए आज का परिणाम नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ा झटका बताया जा रहा है। हालांकि उनके समर्थक कहते हैं कि उपचुनाव के परिणाम का अति विश्लेषण नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि पिछले 10 सालों के दौरान बिहार का चुनावी इतिहास तो यही कहता रहा है कि उपचुनाव में एनडीए की पराजय होती है और उसके लिए 1 साल के अंदर होने वाले चुनाव का परिणाम उल्टा हो जाता है, फिर चाहे वो लोकसभा हो या फिर विधानसभा। लेकिन जो परिणाम आए हैं उसके कुछ संदेश साफ हैं। सबसे पहला कि प्रत्याशी किसी भी दल का हो, वोटर परिवारवाद नहीं चाहता है। बता दें आपको, लेकिन इस चुनाव में सांसदों ने अपने ही परिवार के सदस्यों को टिकट दिलाया, लेकिन जनता ने इन प्रत्याशियों को नकार दिया। सबसे पहले विधानसभा क्षेत्र दरौंदा है, जहां से जनता दल यूनाइटेड के अजय सिंह निर्दलीय व्यासदेव सिंह से हार गए हैं। वहीं जीत हार का अंतर 17,000 से अधिक वोट का था। बता दें आपको, दूसरी बेलहर, जहां बांका से सांसद गिरिधारी यादव के भाई ललधारी यादव को हार का मुंह देखना पड़ा। यहां से आरजेडी के रामदेव यादव जीते। इसके बाद किशनगंज सीट, जहां कांग्रेस के सांसद डॉक्टर जावेद ने अपनी मां सैयदा बानू को टिकट तो दिलवा दिया, लेकिन वो तीसरे स्थान पर रहीं। वहीं ओबीसी के पार्टी AIMIM के उम्मीदवार कमरूल यहां से खाता खोलने में कामयाब रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के लिए सबसे चौंकाने वाला परिणाम सिमनी बख्तियारपुर से आया है, जहां से उनको उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। 2 सांसद दिनेश यादव और चौधरी महबूब अली केसर के संयुक्त चुनावी अभियान के बाद भी उनकी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर अजय कुमार को आरजेडी उम्मीदवार जफर आलम हराने में कामयाब रहे हैं। इसका कारण वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार दिनेश भी हैं, जो करीब 25,000 वोट पाने में कामयाब रहे। ये वोट निश्चित रूप से जनता दल यूनाइटेड को जाता है और इस परिणाम के बाद फिलहाल मुकेश निषाद की राजनीतिक दुकान चलती रहेगी। वहीं बता दें आपको, बात करते हैं दरौंदा सीट की। जी हां, दरौंदा सीट पर भी तेजस्वी यादव अपने आधारभूत यादव मुस्लिम खासकर यादव वोटरों को अपने पार्टी के उम्मीदवार उमेश सिंह को ट्रांसफर करा पाने में कामयाब नहीं रहे, क्योंकि यहां पर एक निर्दलीय शैलेंद्र यादव को करीब 17,000 वोट आए, जिन्हें अधिकांश यादव वोटर माना जा रहा है। एलडी न्यूज रूम से लकी की रिपोर्ट।